ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 नवंबर यानी कि कल के लिए हमारी इंट्राडे वॉचलिस्ट कौन सी होगी और क्यों हम वो स्टॉक वॉचलिस्ट में डाल रहे हैं वो सब। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे अभी एक पूरी सीरीज बना रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइज एक्शन भी एड करेंगे। सो क्या है कि अगर आपको लर्निंग करनी है, अगर कुछ जानना है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो पहले हम आज की जो वॉच लिस्ट है उसने कैसा परफॉर्म किया वो देख लेते। तो पहला स्टॉक था सीमेंस था, सीमेंस हमारी बाय साइड में था। तो सीमेंस क्या है कि मॉर्निंग में ओपन होके थोड़ा अपसाइड मूव देके एक अच्छा सा मूव दिया था अपसाइड। दो कैंडल में एक क्या है कि 1% से ज़्यादा मूव दे दिया, तो एक अच्छा मूव देके वो रिवर्स हो चुका था। तो एन सिंपल सीमेंस में या तो हमारा ट्रेड बनता या तो हमारा प्रॉफिट बनता। बाद में हम क्या कि एलएनटी देखते, तो एलएनटी एक अच्छा सा आपको अपसाइड देखने को मिला है। देखो एलएनटी जैसे ही ओपन हुआ तो गैप अप ओपनिंग हुई, पहले कैंडल क्या है कि अनडिसिजनल टाइप बने, बाद में एक सडनली मूव किया और सडनली मूव किया तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रॉफिट निकल चुका था। अगर आपने इधर कहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो आपको स्टॉप लॉस शिफ्टिंग करना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए स्टॉप लॉस शिफ्ट कहाँ करना है वो सब। अगर आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट किया होता तब भी आप प्रॉफिट में निकलते। इन सिंपल एलएनटी हमारे बाय लिस्ट में थी तो एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है इसमें। बाद में हम यूपीएल की बात करें तो यूपीएल हमारी बाय लिस्ट में थी, लेकिन ये हमारी ओर से ये क्या है कि बाइंग में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि उसने क्या है कि जो इसका कल लास्ट हाई था वहीं से ये रिवर्स हो गया। तो क्या एक था कि नहीं, यूपीएल अगर ये लास्ट हाई ब्रेक करेगा तभी हम इसमें बाइंग जाएंगे। तो हमारी ओर से यूपीएल में कुछ नहीं हुआ था आज। बाद में जो हमारा स्टॉक था वो एक्सिस बैंक था। एक्सिस बैंक में मैंने क्या बोला था, ये दोनों साइड मूव दे सकता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया तब विथ वॉल्यूम की बात है तब हम बाइंग में। तो अगर ये देखो तो आप इसको दिन में देखोगे तो देखो इसके आसपास से ये क्या है कि रिवर्स हो चुका है। देखो थोड़ा और कम करोगे तो देखो इस लेवल के आसपास से ये रिवर्स हो चुका है। तो ये इधर से हमारी सेल लिस्ट में था तो सेल साइड इसने अच्छा मूव दिया है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता तब हम इसमें बाइंग में आते, लेकिन ये हमारे सेल साइड में एक्टिव हुआ था। बाद में हम टाटा स्टील देख लेते, तो टाटा स्टील हमारे सेल लिस्ट में था। मैंने पहले ही बोला था मार्केट अगर पॉजिटिव में जाता है साथ में टाटा स्टील भी पॉजिटिव में जाता है तब आपको ट्रेड नहीं लेना। जब ये क्या है कि मार्केट रिवर्स हो और क्या है कि आपका स्टॉक भी रिवर्स हो तब आपको ट्रेड लेना। सिंपल सी बात है, मार्केट जब अप गया टाटा स्टील भी अप गया, बाद में जब रिवर्स गया तो एक अच्छा सा डाउन साइड आपको देखने को मिला है। बाद में हम देख लेते हैं मथुट फाइनेंस, तो मथुट फाइनेंस और टाटा स्टील दोनों सेल में थे तो दोनों में सेम ही था, लेकिन मथुट फाइनेंस के क्या किया एक कंसोलिडेट वाला जोन में आ गया तो बाद में इसमें हमारा कोई ट्रेड एक्टिव हुआ नहीं था। तो ये तो हो गई आज की बात। अब देखते कल के लिए कौन सी हमारी वॉच लिस्ट होंगी, कौन से शेयर बाय के लिए होंगे, कौन से शेयर सेल के लिए होंगे। तो अब चलते हैं कल की वॉच लिस्ट के लिए। तो जो कल का मेरा पहला स्टॉक होगा वो एलएनटी होगा। एलएनटी को मैं रिपीट करूंगा, क्यों रिपीट करूंगा उसके लिए देख लेते हो। तो सेम बात है, एक डाउन ट्रेंड वहां से अब जाने का एक ट्रेंड बता रहा है, तो देखते हैं क्या होता है एलएनटी में और क्या है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कल ये फिर से बाइंग साइड आ जाए। तो देखते हैं कल क्या होता है। बाद में मेरा दूसरा स्टॉक होगा वो होगा टाटा स्टील को मैं फिर से सेलिंग साइड लेके जाऊंगा। नॉर्मल सी बात है कि ये क्या है कि अभी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने ऐसा जो जितना डाउन साइड या रिट्रेस करना चाहिए उतना कर चुका है। तो नॉर्मल सी बात है मैं इसको फिर से क्या है कि सेल साइड की लिस्ट में लेके जाऊंगा। टाटा स्टील मेरे सेल साइड के लिस्ट में होगा फिर से। उसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टॉक, वो होगा हमारा पीएफसी। पीएफसी हमारे सेल साइड के लिस्ट में होगा। क्यों होगा? सिंपल सी बात है, एक अच्छा अप ट्रेंड आपको देखने को मिल चुका है। बाद में अगर ये देखो इधर से रिट्रेस भी करता है तब भी नीचे आएगा, अगर इसको इधर से रिवर्स भी करना है तब भी ये नीचे आएगा। और जो हमारा लास्ट एंड आखिरी स्टॉक है वो है एमजीएल। एमजीएल क्यों है? नॉर्मल सी बात है, एक अप ट्रेंड में आपको पीएफसी की तरह दिख रहा है, इधर एक बियरिश पैटर्न भी बना रहा है। तो अगर ये नीचे जाना चाहता है, सचमुच में ये नीचे जाना चाहता है तो ये कल भी डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो आपको अगर ये डाउन ट्रेंड में कल मिलता है तब आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो हमारी कल के लिए वॉच लिस्ट क्या होगी? तो एलएनटी हमारे बाय लिस्ट में है, टाटा स्टील हमारे सेल लिस्ट में है, जो पीएफसी है वो सेल लिस्ट में, और एमजीएल भी सेल लिस्ट में। तीन स्टॉक सेल की तरह, एक स्टॉक बाय की तरह। तो आपको देखना पड़ेगा, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप उसमें बाय या सेल कर सकते हो। अगर बाइंग वाले बाय साइड सिग्नल दे रहे तब लो, सेल वाले सेल साइड सिग्नल दे रहे तब लो। देखो हम जो वॉच लिस्ट बना रहे वो क्या है कि एक आइडिया से बना रहे, तो कभी कभी क्या होता है इसमें से कुछ परफॉर्म करते हैं कुछ परफॉर्म नहीं करते। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई आपको चलो सेल वाला है तो सेल साइड जब सिग्नल दे तब लेना है, बाय वाला है तो बाय साइड जब सिग्नल दे तब लेना है। ऐसा ही नहीं है कि जैसे ही ओपन हुआ सेल वाला सेल कर दो बाय वाला बाय कर दो। आपको देखना पड़ेगा आप जो भी यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो,
प्राइस एक्शन यूज करो, उसमें जब आपको सिग्नल मिलता है तब आप उसमें बाय या सेल कर सकते हो। तो ये थे मेरे छोटी सी वीडियो कल के लिए इंट्राडे लिस्ट के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे और वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।